अमेठी से वायनाड भागने वाले राहुल गांधी वापस लौटेंगे अमेठी या केवल बनाई जा रही हवा? सुबह का भूला शाम को वापस लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। अमेठी वाले कर देंगे युवराज को मात, कांग्रेस खेल करने में लगी है। उधर रायबरेली में मैडम की सीट पर मंडराया खतरा, जनता है बिल्कुल तैयार। नेताओं को लगता है वो जो कर देंगे वो ब्रह्मा की रचना के समान सर्वसम्मति से लोग अपना लेंगे। राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी और बाद में राहुल गांधी तक अमेठी से चुनकर संसद पहुंचते रहे हैं। अमेठी की जनता ने हमेशा गांधी नेहरू परिवार की इज्जत का सम्मान ही किया है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी की जनता का सब्र जवाब दे गया। जनता ने अपना मैंडेट राहुल गांधी के खिलाफ सुना दिया। राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने चुनावी चुनौती में पछाड़ दिया था। नेहरू गांधी परिवार की हर पीढ़ी पर अमेठी ने तो जमकर प्याल उठाया, लेकिन सालों साल अमेठी में गांधी परिवार के लोगों को संसद तक भेजने वाले अमेठी के लोगों का जीवन कभी बदला ही नहीं। न अमेठी संसदीय क्षेत्र के हालात सुधरे, न लोगों के हालात अमेठी के लोग समझ पाए। नेता सालों साल उनकी पवित्र भावनाओं का फायदा तो उठा रहे हैं, संसद भी जा रहे हैं, लेकिन उन नेताओं को अपनी जनता की कद्र नहीं। राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक अमेठी से चुनकर संसद पहुंचे। राजीव गांधी 1981, 1984, 1989, 1991 चार बार अमेठी से सांसद चुने गए। सोनिया गांधी 1999 में अमेठी से पहली बार सांसद चुनी गई। राहुल गांधी 2004, 2009, 2014 तीन बार अमेठी से चुनकर संसद गए। माहौल बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी वापस अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। 2019 में राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने बता दिया था कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। हारने के बाद से राहुल गांधी ने अमेठी से मुंह ही मोड़ लिया। आखिर राहुल अमेठी क्यों नहीं जाते? 2019 की हार के बाद से राहुल गांधी 2021 दिसंबर में अंतिम बार अमेठी गए। अमेठी से हारने के बाद चार साल में राहुल एक बार अमेठी गए। जब गए थे तो भी यूपी चुनाव की मजबूरी में, जो अमेठी राहुल गांधी को संसद भेजता रहा, राहुल गांधी उस अमेठी से एक हार से नाराज हो गए। 2014 में चुनाव तो स्मृति ईरानी भी हार गई थी, लेकिन उन्होंने अमेठी को नहीं छोड़ा। मौजूदा सांसद के रूप में स्मृति ईरानी का रिकॉर्ड राहुल गांधी के पुराने कई टर्म से बहुत शानदार है। कांग्रेस अमेठी को लेकर माहौल बनाने में जुटी है, लेकिन परिवार की एक और सीट रायबरेली खतरे में है। लोकतंत्र में जनता का सम्मान करना भी नेता की जिम्मेदारी है, लेकिन अमेठी के मैंडेट से गांधी परिवार नाराज हो गया। 2019 अमेठी के वोटर को लगा कि उनके वोट को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, तो लोकतंत्र में तो जनता जनादन होती है। अमेठी की जनता ने गांधी परिवार को यही बताया कि अमेठी किसी की जागीर नहीं है, अमेठी किसी की खानदानी रियासत भी नहीं है, न अमेठी किसी की बपौती है। राहुल गांधी और गांधी परिवार को अमेठी में किए गए विकास पर इतना यकीन था कि अपनी हार तय देखकर राहुल गांधी 2019 में दो लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी। अमेठी के मिजाज ने चुनाव पहले ही राहुल गांधी को बता दिया था कि अमेठी इस बार क्या करने जा रही है। अमेठी ने गांधी परिवार के खिलाफ एक फैसला क्या सुनाया, पूरे परिवार ने अमेठी से किनारा कर लिया। राहुल गांधी को अमेठी की जनता सुबह का भूला शाम को लौटा वाले खांचे में तब फिट मानती जब राहुल हारने के बाद भी अमेठी को नहीं छोड़ती। लेकिन हारने के बाद तो जैसे गांधी परिवार के अहंकार को अमेठी ने चोटिल कर दिया। 2024 का चुनाव नजदीक है तो फिर से परिवार को अमेठी की याद सताने लगी है। अमेठी की जनता की तरफ भावनाओं के शब्द बाण फेंके जा रही हैं, लेकिन ये जनता है, सब जानती है।